हम सब आपस में वो हैं कौन आप भाई? सांप हूँ यार। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली मेरा कोई बिल भर गया था, तो मेरे पास घर नहीं था, तो मैं यहाँ पे आ गया। आदमी का क्या होता है कि किसी भी आदमी का मतलब बिल ना भरे तो उसको परेशानी होती है, हमारा कोई बिल भर जाए तो हमको परेशानी होती है। सुनो भाई साहब, आप अपनी दुख भरी कहानी ना बाहर जाकर सुनाओ किसी को। यहाँ पे फिल्म अवार्ड चल रहे हैं, चलिए। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठे हैं। मैं सबको बताने आया हूँ कि कुछ समय पहले तक आप लोग सांपों के ऊपर फिल्में बनाते थे, अब सांपों के ऊपर फिल्में बनानी आपने बंद कर दिया। व्हाट इज दैट? मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं उठा सकता। भाई साहब, आपकी आवाज वैसे ऐसी है क्यों? मैं ना पाइनएप्पल खाता हूँ ना बिना छिलके के, उससे होगी मेरी आवाज। तो छील के खाया करो ना, अकल नहीं है? अगल है, चाकू नहीं है। यार ये कैसे बिना परमिशन अंदर कैसे घुसा ये? अरे नहीं नहीं, मैं इच्छाधारी नाग हूँ ना, मैं रूल भर के आ जाता हूँ। मैं ना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ, उसको मैंने कहा कि अरे हमको अवार्ड फंक्शन में जाना है, अंदर अवार्ड हो रहे हैं, हाँ आमिर खान में। उसने कहा कि आमिर खान तो आ नहीं सकते अवार्ड में, वो आते ही नहीं, आप चलो यहाँ से। मैंने कहा ठीक है, मैं अक्षय कुमार बन जाता हूँ। मैं अक्षय कुमार बन गया, उसका रूप धरा था। मैंने कहा मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं सीधा अंदर चला जाऊंगा। वो कहते वो तो सीधे आते ही नहीं है, वो तो उल्टे टेढ़े तरीके से आते हैं, आप अक्षय कुमार हो ही नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है, अब मैं शॉर्ट शॉर्ट तरीका बनाता हूँ, मैं रमेश सिप्पी जी बन गया। फिर उन्होंने मुझे अंदर आने ले लिया। वो कैसे बन गए? वो तो यहाँ आए हुए हैं। उन पे कोई शक नहीं करता ना, वो हर अवार्ड फंक्शन में बुलाते हैं उनको, वो जाते हैं। किसी किसी अवार्ड फंक्शन में दो तीन बार भी चले जाते हैं वो। अच्छा सिप्पी साहब, तो जितने अवार्ड फंक्शन नहीं होता ना, घर पे रेड कार्पेट भी घूम फिर लेते हैं। वो सब आपकी बातें ठीक है, लेकिन अभी आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे आया हूँ रिस्पेक्ट करने आने के लिए अपने, क्योंकि सांपों की रिस्पेक्ट नहीं है। आप लोग फिल्मों में डायलॉग बनाते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्यों भाई, हमारे बंदे मर रहे हैं, आपकी लाठी भी ना टूटे? हाथ थू, ऐसी थोड़ी बात होती है। एक बात बताओ, सब आपको मारते क्यों है? इनटॉलरेंस है लोगों में, इसलिए मारते। और वैसे तुम ज्यादा बात मत करो, तुमने भी नागों से बहुत कमाया ऐसे कर करके। ओके, मेरा हिस्सा निकालो वापस, दो मेरा हिस्सा। देखो ये मांगने मांगने वाली बातें बाद में करना, अभी आप जाओ यहाँ से, बाहर जाइए, चलिए। मांगने की बात हम नहीं कर सकते, कि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। क्या है भगवान का दिया आपके पास? भगवान का दिया है हमारे पास, मंत्री में लगा के आया हूँ मैं यार। और वैसे मेरे को यहाँ पे इन्होंने सीट नहीं दी, वरना मैं यहाँ पे जाके आराम से बैठ जाता। तुम लेट हो गए ना, थोड़ा टाइम पे आते तो हो जाता। लेट तो होना ही था यार, आप इंसान आते हो, आप ऐसे सीधे आ जाते हो, हमको ऐसे ऐसे करके आना पड़ता है, टाइम तो लगता ही है ना हमको। आपका एक किलोमीटर हमारा 3 किलोमीटर बन जाता है यार। तो मेरे पास क्यों यार कंप्लेंट कर रहे हो? जाओ ना किसी बड़े आदमी से कंप्लेंट करो। क्या आप लोग नाग को फिल्मों में लेने के लिए तैयार है? क्या सांप सूंघ गया, बोलो। अरे वाह, प्रियंका चोपड़ा ने कह दिया हाँ, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। वाह भाई वाह, ओह वेरी गुड। देखो ये सीढ़ी में सांप, सांप सीढ़ी, वाह क्या बात है। प्रियंका चोपड़ा जी बहुत खूबसूरत लग रही है आप। माइक वाले दादा जरा माइक तो दिला दो। मैंने मैं आप जो अलग अलग अवतार में आए हैं, आई एम लाइक इच्छाधारी। यू आर लुकिंग लाइक यू धारो माय इच्छा फुल्ली। आप आजकल हॉलीवुड वगैरह में बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इसलिए आप एक्सेंट के साथ बात कर रहे हैं? नहीं, मेरे को हिंदी फिल्मों में चांस दे नहीं रहे, तो मैं कह रहा हूँ मेरे को हॉलीवुड में किसी से इंट्रोडक्शन करा दो। एनाकोंडा भी तो उधर लॉन्च हो ही चुका है ना। एनाकोंडा भी बनी थी वहाँ पे, हिस भी बनी है। उन्होंने बोला इंग्लिश सीख के आओ, फिर आपको चांस देंगे। तो अगर आप मुझे थोड़ी सी कोई इंग्लिश सिखा दें तो बहुत बेटर हो जाएगा मेरे लिए। आप ना अगर हिंदी एक्सेंट के साथ बोलोगे ना, वो सोचेंगे कि आप इंग्लिश बोल रहे हो। जैसे मैं डायलॉग बोल रहा हूँ मान लीजिए। हाँ बोलो। आप इंग्लिश में बताइए कैसे बोलेंगे उसको। हम तुम्हारे बॉडी में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो गए जाओगे कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। What to say? I'll make so many holes in your body that you won't know where to speak from and where to pff from. सक्सेस अर्जित की है, हमारा नाम रोशन किया। थैंक यू प्रियंका चोपड़ा जी, वी लव ऑल ऑफ यू। थैंक यू इच्छाधारी नाग जी फॉर लविंग ऑल ऑफ मी। थैंक यू प्रियंका चोपड़ा जी के लिए।
वाओ हेलो, आप एक काम करें, इन तीनों उंगलियों में से एक उंगली आप चूज करें, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप नागिन का रोल कर सकती हैं मेरे साथ, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, नागिन के रोल के लिए कृति सैनन तैयार हो गई है दोस्तों। वाओ, आइए जी जोरदार तालियां कृति के लिए। आप रूप धारण करूंगा। आप रूप धारण करेंगे, मैं कौन सा धारण करूं? और हम दोनों खेलेंगे कुछ मिलके। जी आप क्या करने वाले हैं? आप मिलके खेलते हैं। स्वागत आपका। ओ शायद आप और हम मिलकर खेलते चिड़िया और कौवा और दो दो तालियां शाह कपूर के लिए। चिड़िया और कौवा गला और ओ मैंने उड़ा दिया। चलिए थप्पड़ मारिए। थप्पड़ मारूं? वो वाला नहीं सर, मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता। नहीं, ये प्यार से कृति मारेंगी, प्यार से ऐसे। ओ प्यार से आपको प्यार से मैं थप्पड़ से डर लगता है बाबूजी। हैं? चलिए आपको मिलती है मणि, नागमणि। ये नागमणि। थैंक यू सो मच। आपको मिलता है ये दांत। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दे दो, मुझे चाहिए ये दांत। आई एम लाइकिंग दिस दांत। दे दीजिए आप मुझे। शायद कपूर जी को दांत पसंद आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोलम कपूर यहाँ बैठी हुई है। मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए कि आप यहाँ पे मैं अगर मेरी नागिन का रोल करना हो आपको। अच्छा, तो क्या आप करना चाहेंगी? नहीं। थैंक यू सो मच। आप जिनको कह रहे हैं ना नागिन बनने के लिए, उनके पिताजी के पास बहुत बड़ी बीन है। अब छेड़ रहे हैं शर्याम उनको? छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ। ओके, आदमी ट्राई भी नहीं कर सकता यार, कभी कभी तो आदमी बनने का मौका मिलता है मुझे। अच्छा चलो ठीक है। Hi Sonu, how are you? Very good, you look dapper. Thanks. क्या होता है वो? अच्छे अच्छे लग रहे हो। Okay, thanks. Sonam, आपके लिए एक नाग स्पेशल पेश करना चाहूंगा। 1, 2 एपिसोड के बाद आप थोड़े थक गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनको अवार्ड मिला है, जिनको नहीं मिला है, वो मेरे जैसे फील कर रहे होंगे। नो प्रॉब्लम।